दोस्तों सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये मेरी वायरल वीडियो है जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया है और ये मेरी तीसरी ब्लॉग है जो कि वायरल हो गई है। ये गंगा घाट की ब्लॉग है। दोस्तों आज इस वीडियो में इसी पे बात करने वाला हूँ और ये स्पेशली एक थैंक्स वीडियो है आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये मेरी एक थर्ड वीडियो है, यानी थर्ड ब्लॉग था जो मैंने गंगा घाट का बनाया था। और इस वीडियो को बनाने के बाद दोस्तों ये वीडियो एक वीक के अंदर वायरल हो गई और इस पर तकरीबन 1 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार किया। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसे वायरल हुई ये मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों स्पेशली जो लोग न्यू यूट्यूबर हैं, जो नए ब्लॉगर हैं, जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, मैं भी उनके चैनल को सब्सक्राइब बैक कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों आइए मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ मैंने किया है और मेरी वीडियो वायरल हो गई है, इसका यूज़ आप भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी टिप्स है चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टिप्स नंबर 1, दोस्तों आप अपने वीडियो को सुबह 6 से 9 बजे के बीच अपलोड कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे एक्टिव यूजर्स के जो काउंट है वो ज़्यादा होते हैं और उसके बाद पूरा दिन आपका बचा हुआ रहता है। तो आपके वीडियो पे ऑडियो रिटेंशन और वॉच टाइम और भी दोस्तों एक्टिव यूजर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोस्तों आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक का टाइटल जाके आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और जितने भी उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगे उनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कीजिए और नोटपैड में रखिए, फिर उनके टैग्स को कॉपी कीजिए नोटपैड में रखिए और सेम टू सेम दोस्तों आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टैग में जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए और 2-3 टैग्स और डिस्क्रिप्शन इधर उधर कीजिएगा। नहीं तो दोस्तों आपको डुप्लीकेसी का यूट्यूब की तरफ से मैसेज आ जाएगा जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे। तो सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, 2-3 टैग्स और डिस्क्रिप्शन में इधर उधर चेंजेस करने हैं और टाइटल भी सेम रखना है, तभी दोस्तों आपकी वो जो वीडियो है वो उस वीडियो के नोटिफिकेशन में, उस वीडियो के रिकमेंडेशन में, ब्राउज फीचर्स में और सजेशन में भी जाएगी। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि जब आप ये दोनों चीज़ कर लिए तो आपको एक क्लिकबैट थंबनेल बनाना है। जैसे कि दोस्तों आप घर बनाते हैं तो आपका गेट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, गेट से आपके घर के अंदर की चीज़ों का पता चलता है कि वो घर कितना अट्रैक्टिव है। तो जब तक आपकी वीडियो पे कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक वो आपके वीडियो के अंदर देख नहीं सकता है कि आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। तो आपको एक क्लिकबैट थंबनेल बनाना है जैसा कि मैंने बनाया है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर आपको वही रखना है जो वीडियो से आपके रिलेटेड हो, वही कंटेंट रखना है जो आपके टाइटल टैग्स से और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो। ये नहीं कि आपने थंबनेल कुछ और बनाया और टाइटल कुछ और है, टैग्स कुछ और है, डिस्क्रिप्शन कुछ और है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके वीडियोस जब मोनेटाइजेशन के लिए जाती है तो फिर वो मोनेटाइज नहीं होती है। ये बहुत बड़ा लोगों में एक मिथ है कि लोग इसका यूज़ करते हैं, क्लिकबेट थंबनेल बना देते हैं लेकिन टाइटल टैक्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों जो मेरे भाई लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और जो लोग मेरी वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हैं वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दूंगा। पर हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो का लोकेशन देखना चाहते हैं कि मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक नदी के किनारे वीडियो बना रहा हूँ, ये आप पीछे मेरे हरियाली देख सकते हैं और वहाँ पर नदी है। और तो मैं आपको अपने पीछे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत शांत जगह है। मैं यहाँ अक्सर बैठता हूँ और टाइम स्पेंड करता हूँ। दोस्तों बगल में नदी है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। अभी मौसम दोस्तों बहुत ही सुहावना है क्योंकि अभी बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश नहीं हुई है और बादल घिरने के कारण मौसम ठंडा हो चुका है। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मोटर पम्प और ये है रास्ता जो आगे जाने का, यानी मैं इधर से घर जाता हूँ और इधर से आता हूँ। और ये दोस्तों यहाँ पे थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसको लगाया है। यहाँ पे दोस्तों ये मोटर पंप है जहाँ पे दोस्तों स्विच है, स्टार्टर है, इससे मोटर स्टार्ट करके कॉलोनी है CSF कॉलोनी, वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं यहीं पे बैठ के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपना और आप लोगों को जो भी आज की वीडियो में बता रहा हूँ यहीं से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।